बोलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो सुबह का नाश्ता तो नहीं कह सकते, एक्चुअली ये ब्रंच है। आज मान्या की छुट्टी है तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। सो आज हम दोनों अपनी अपनी प्लेट देखिए, पूरी कैसे खस्ता पूरी है, ये अभी तक फुली हुई है तो इसको अभी हम टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ठंड बहुत ज़्यादा है अगेन आज भी। सो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ और मान्या भी टेस्ट करके बताती है कैसा बना है। सो अभी लेते हैं हम चने, गर्म है काफ़ी, इसके साथ अगर प्याज कटा हो प्लस अचार और थोड़ी सी चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए। सो टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है। प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसमें। जो मैंने काजू इसमें मैंने क्या क्या डाला है आप उसके लिए आपको ये वीडियो फुल देखना होगा। तो वीडियो ये मैंने पूरी बनाई है, शाही चने बनाए हैं। आपने शाही पनीर तो बनाया होगा बट शाही चने शायद ट्राई नहीं किए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें तभी आप जान पाएंगे कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके भी बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वाइट चने, काबुली चना जिसको बोलते हैं। इसको मैंने रात को भिगो करके रख लिया था। तो 2 गिलास पानी डाल करके मैंने ये चने डाल दिए हैं। इसमें नमक और ऑयल डालूँगी थोड़ा सा और फिर ढक्कन बंद करके इसको 25 से 30 मिनट तक मैं इसको पकने दूँगी। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं इसका जो तड़के का मसाला है वो तैयार करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 15 से 20 कलियां लहसुन की, 1 प्याज, छोटा सा पीस 1 अदरक का और 2-4 हरी मिर्ची। इन सबको ग्राइंड, पहले मैं इसको माइक्रोवेव में रखूंगी 4 मिनट के लिए, फिर इसको मैं ग्राइंड करूंगी। और ये 1 कटोरी में लिए मैंने काजू 25 से 30 पीसेस और गर्म पानी डाल के इसको रख दिया है। अब हम आटा गूंथेंगे। 2 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा और 1 कटोरी लिया है मैंने चावल का आटा। इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, नमक, थोड़ा सा तेल और 2 चम्मच सर्विंग स्पून दही के। अब इसका हम डो तैयार करेंगे। अच्छे से पहले मैं इसको दही में ही मिला करके देखूंगी, फिर अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इस डो को हम अच्छे से तैयार करेंगे। ये बहुत जल्दी नहीं बनाना है इसको, 5 to 7 मिनट लगेंगे इस डो को तैयार करने में। अच्छे से इसको गूंथना है जितना टाइम आप दे सकते हैं। ये एकदम से सॉफ्ट, एकदम से मुलायम इसका जो डो है वो तैयार होना चाहिए, तभी जो हम पूरी बनाएंगे खस्ता पूरी वो अच्छी बनेगी, फूलेगी और टेस्ट में बहुत अच्छी बनेगी। तो आटा मैंने बना लिया है, मुझे कम से कम 10 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया था तो उसमें ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगा है। अब इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। माइक्रोवेव में जो मैंने रखा था वो अच्छे से स्टीम हो गया है, तो इसको एक थिक पेस्ट इसकी हमने तैयार कर लेनी है। इसके बाद जो हमने काजू भी गोए थे उसको भी 10 मिनट हो गया है तो उसकी भी हम पेस्ट तैयार करेंगे। चने में क्या है, प्रेशर आ रहा है अभी भी, तो जब तक ये मसाला तैयार होना है चने अच्छे से पक जाएंगे। सो ये देखिए, अभी मैं काजू की पेस्ट भी तैयार कर ली है तो इसको निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम तड़का लगाएंगे।
कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, एक ड्राई रेड चिल्ली को काट के डाला है और एक चम्मच मैंने जीरा डाल के इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। देखिए अभी प्रेशर आ रहा है, तो अभी मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। ठंड की वजह से घी इतना जम गया है कि मेरा जो चम्मच है वो उसमें से निकल ही नहीं रहा है, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है घी निकालने में, इतनी ज़्यादा ठंड है। मैंने डाल दिया 2.5 चम्मच इसमें देसी घी, और अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। जब तक मसाला पकता है तब तक मैं चने का जो प्रेशर है वो आउट करूँगी और उसमें से चने जो है सूप से अलग कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मसाला पक रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी करना। सो देखिए चने अच्छे से पक गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। चने और इसके सूप को अलग करना है, दोनों चीज़ें एक साथ हम मसाले में नहीं डालेंगे। चने को पहले हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से चने में मिक्स हो जाए। ये जो मसाला है अभी, इसकी जो ग्रेवी है मसाले की, इसको चने के साथ वैसे मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाना है कि ये इसका जो ग्रेवी का जो पानी है वो एकदम ख़त्म हो जाए और ये चना एकदम ड्राई हो जाए। तो अब हम इसमें थोड़े पाउडर मसाले के पाउडर ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च। हल्दी इसमें ऐड हम नहीं करेंगे, अच्छे से इसको चला लें। और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं इसमें, क्योंकि नमक मैंने चने में भी डाल रखा है, तो थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे काजू का जो हमने प्यूरी तैयार की थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बट उससे पहले ये मसाला अच्छे से सूखना चाहिए, इसका जो पानी है। तो ये देखिए मसाला एकदम, चने जो है ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं काजू की जो हमने ग्रेवी तैयार की थी। तो देखिए चने का कलर कितना अच्छा लग रहा है, हमारे शाही चने बन के एकदम तैयार हो गए हैं। अब जो सूप बचा था कोई आधा गिलास, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा पेस्ट थिक चाहिए तो आप पानी मत डालिए। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थोड़ी सी पतली रखनी है तो वो सूप जो है, जहाँ एक्स्ट्रा पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए हमारे चने, शाही चने बन के तैयार हैं। तो इसको हम पूरी के साथ सर्व करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाना है। अब मैं इसको सर्विंग डोंगे में डाल देती हूँ। तो देखिए कितनी खुशबू आ रही है इसकी, बनाते बनाते भी मुझे मतलब कि खुशबू आ रही थी इसकी, इतना टेस्टी लग रहा है। अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, इससे पहले मैं पूरी बनाऊंगी तो फिर उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ पूरी बनाने के लिए। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए जब पूरी बनानी होती है, जब कच्चा रह जाता है तो उसकी स्मेल आती है। तो मैंने चकले पे थोड़ा सा उसको मतलब तेल लगा लिया था। तो अब इसकी पूरियाँ बेलिए और इसको गर्मा गर्म तेल में डाल करके तैयार करें। तो ये देखिए तेल गर्म हो रखा है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पूरी, फूल जानी चाहिए। हाँ फूल गई है, तो देखिए ये पूरी हमारी फूल चुकी है। अब इसको पलट देते हैं। इसका आप कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आटा और चावल का आटा, दोनों आटा मिक्स करने से इसका टेक्सचर ही चेंज हो गया, और खूब लंबे समय तक जब हम आटे को गूंथते हैं तो उसका जो मुलायम जितना हो जाता है उसकी रोटी या पूरी उतनी ही अच्छी बनती है। ये एक टिप है कि आटे को ज़्यादा देर तक मलना चाहिए। इसी तरह से मैं पूरियां सारी निकाल लूँगी, आप ध्यान देना कि सारी की सारी पूरियां अच्छे से फूल रही हैं। ये देखिए, तो जब तक ये पूरियां फूल रही हैं, मान्या उधर प्लेटें तैयार कर रही हैं।
फटोफट, उसको बहुत भूख लगी है क्योंकि टाइम जो है 11:30 का हो चुका है। छुट्टी की वजह से हम लोग लेट उठे थे तो प्लेटें सज गई हैं। बस अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना है। अभी तो मैं आप टेस्ट जरूर करके ट्राई बताती कीजिएगा हूँ और फ्रेंड्स। मान्या भी टेस्ट करके बताती है कैसा बना है। सो अभी लेते हैं हम चने, गर्म है काफी, इसके साथ अगर तो टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बनी है, प्लीज इसको जरूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसमें, जो मैंने काजू डाले हैं शाही चने बनाने के लिए उसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है। और पूरी में मैंने, जैसे कि आपने देखा था, आटा जब मैं गूंद रही थी तो उसमें मैंने इसमें दही डाला था, तो उसका अलग ही टेस्ट आ रहा है। सो प्लीज़ आप इसको जरूर ट्राई करिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं। सो अभी हम अपना ब्रंच ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मान्या दवा दब खा रही है, उससे ना वेट नहीं हो रहा। सो ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।